अलग अलग तरह के पेवर ब्लॉक और उनके पैटर्न्स। अब हम अलग अलग तरह के पेवर ब्लॉक और उन्हें अलग अलग पैटर्न में लगाने की विधि के बारे में जानेंगे। चार तरह के ब्लॉक के अनुसार पेवर ब्लॉक भी चार सामान्य आकार के होते हैं। टाइप ए है समतल वर्टिकल फेस वाले पेवर ब्लॉक, जो किसी भी पैटर्न में लगाने पर एक दूसरे में समाहित नहीं होते हैं। टाइप बी है अल्टरनेटिंग प्लेन और घुमावदार या नालीदार वर्टिकल फेस वाले पेवर ब्लॉक, जो किसी भी पैटर्न में अपने वर्क नालीदार फेस से एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। टाइप सी है हर ओर से घुमावदार या नालीदार आकार वाले पेवर ब्लॉक, जो किसी भी पैटर्न में एक दूसरे के वर्टिकल फेस से जुड़ जाते हैं। और टाइप डी है पेवर ब्लॉक जिनका आकार एल और एक्स की तरह होता है। इनका हर सिरा घुमावदार या नालीदार होता है और जब उन्हें किसी भी पैटर्न में लगाया जाता है तो वह एक दूसरे के वर्टिकल फेस से जुड़ जाते हैं। पेवर ब्लॉक को अलग अलग पैटर्न में फिक्स किया जाता है, जैसे कि नन टंबल बनावट वाले पेवर ब्लॉक, टंबल बनावट वाले पेवर ब्लॉक, टंबल और एम बॉक्स बनावट वाले पेवर, स्लेट बनावट वाले पेवर, फ्लैगस्टोन बनावट वाले पेवर, पुराने जमाने के पक्की सड़क की बनावट, प्राचीन पक्की सड़क में पेवर ब्लॉक बिछाने की रैंडम आई तकनीक, रनर लाइन पैटर्न की प्राचीन पक्की सड़क, हेरिंगबोन लेइंग पैटर्न व एश्लेशर लेइंग पैटर्न।